और जैसे मैंने कल प्रॉमिस किया था कि आज यहाँ पर टॉप 5 स्टॉक्स में लेके आया हूँ जो आपको बाय करने चाहिए। सबसे पहले इसमें से 2 स्टॉक्स ऐसे हैं जिसमें मैंने पर्सनली इन्वेस्ट किया है। और यहाँ पर सबसे पहले मुझे बहुत से लोग यहाँ पर कमेंट करके बोलने वाले हैं कि ब्रो ये लॉन्ग टर्म के ऊपर वीडियो बना दी, शॉर्ट टर्म के लिए वीडियो बनाओ। शॉर्ट टर्म के लिए मैं एक ही स्टेटमेंट बोलना चाहूंगा कि फिलहाल अभी मार्केट ना डिमांड सप्लाई पे चल रहा है, ना टेक्निकल एनालिसिस पे चल रहा है, ना फंडामेंटल एनालिसिस पे चल रहा है। मार्केट करेंटली जैसे ऑपरेटर्स चाहते हैं वैसे चल रहा है। जैसे बड़े बड़े प्लेयर जैसे जैसे ऑपरेटर्स यहाँ पर मार्केट को घुमा रहे हैं वैसे मार्केट घूम रहा है। ऐसे बहुत से स्टॉक है मार्केट में, और ऐसे कुछ स्टॉक यहाँ पर मैं जो शो कर रहा हूँ उसमें से भी कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो यहाँ पर अपने करंट प्राइस के ऑन एंड अराउंड 10-20% नीचे ट्रेड करने चाहिए थे अकॉर्डिंग टू द टेक्निकल्स, फंडामेंटल, एवरी एनालिसिस, एवरीथिंग। एंड एक्चुअल में प्राइस उनकी 10-20% नीचे होने चाहिए थे, बट यहाँ पर चौंका देने की बात यह है कि फिर भी ये इस प्राइस पे ट्रेड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऑपरेटर्स इन्हें करंटली कुछ दिनों से मार्केट को उन्होंने हाथ में ले लिया है, मार्केट को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सा पैसा लोगों का लॉस में जा चुका है, यानी जो इन्वेस्टेड है ऑब्वियसली रिटेल इन्वेस्टर्स पहले एग्जिट कर चुके हैं, बट जो लोग जिनके पास काफी ज्यादा होल्डिंग रहती है वो यहाँ पर मार्केट को बचा रहे हैं। इसलिए आप फंडामेंटल एनालिसिस करो, आप टेक्निकल एनालिसिस करो, आप यहाँ पर 100 इंडिकेटर्स लगा लो, आप यहाँ पर 200 लाइंस खींच लो, कोई एनालिसिस वर्क नहीं करने वाली जब तक यहाँ पर ऑपरेटर्स मार्केट को पकड़े हुए एट द करंट स्टेज। ये थोड़े दिनों का खेल है, जब तक ये होल्ड करे हुए हैं मार्केट उनके अकॉर्डिंग चलेगा। ऑपरेटर्स चाहे उन्हें मार्केट बढ़ाना है तो मार्केट बढ़ाएंगे, उनका जब मन खत्म हो जाएगा, उन्हें जब अपना प्रॉफिट बुक करना होगा वो अपना प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल जाएंगे। आप शॉर्ट टर्म में यहाँ पर लेके लॉस में रहोगे। यहाँ पर वीडियो को मेन स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहला स्टॉक है इंडियन रेलवेज, IRCTC, यानी आप सब सभी को पता है। ये सबसे पहले मैं बाइंग रिकमेंडेशन दे रहा हूँ इसका, आपके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक 101% होना चाहिए फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टर्म। लॉन्गर टर्म के लिए ये आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। अगर पहले से है तो अभी ऐड मत करो, इसमें आपको एडिंग के लिए टाइम मिलेगा। स्टॉक जब तक ये ऑपरेटर्स मार्केट में से निकल जाएंगे, यहाँ पर रिजल्ट्स सामने आएंगे क्वार्टर के सारे कंपनीज के, तब यहाँ पर आने वाला क्वार्टर, तब यहाँ पर F4 की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी आने वाला क्वार्टर, तब यहाँ पर समझिएगा, तब यहाँ पर मार्केट में एक बार के लिए वापस डाउनफॉल आने की आशा या फिर डाउनफॉल आ सकती है। इसलिए यहाँ पर आपको एडिंग का मौका मिलेगा, अभी अभी एट द करंट स्टेज। इसे इसमें और एड अप मत कीजिएगा, या फिर आपको नई पोजीशन अभी एट द करंट स्टेज मत बनाइएगा। आपको लगेगा कि नहीं मौका चूक जाएगा, वैसा बिल्कुल नहीं होने वाला। आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्टॉक है हमारा SBI का। आपको बता दूं IRCTC पे मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, सारे जो स्टॉक दिखाऊंगा डेडिकेटेड वीडियो बनाई है मैंने उनके ऊपर। सेकेंड स्टॉक है SBI। SBI यहाँ पर बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक है। यहाँ पर सबसे यहाँ पर रिकमेंडेड ये स्टॉक है। ये जो मैंने पिछले स्टेटमेंट कही थी कि जो स्टॉक्स ऐसे डिजर्व करते हैं नीचे ट्रेड करना बट फिर भी ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, जिसमें ऑपरेटर्स थोड़ा गेम खेल रहे हैं, उसमें से ये एक स्टॉक है। IRCTC में मुझे इतनी वहाँ पर बढ़त वो सिचुएशन ऑपरेटर्स का गेम नजर नहीं आता, बट SBI में मुझे क्लियर कट नजर आता है। मैंने सारे इनका डेटा चेक किया है, स्टॉक्स ओन बाय किया। यहाँ पर ये आपको चेक कैसे करना होता है कि आपको वो लिस्ट निकालनी होती है, कौन कौन किसने कितने दिनों में किसने किसने यहाँ पर कौन से स्टॉक्स खरीदे हैं, इस पर्टिकुलर स्टॉक में किसने किसने बड़े बड़े अमाउंट में क्वांटिटी उठाई है, तब जाके आपको वो डेटा असल में देखने को मिलेगा। ऑपरेटर्स का जो गेम होता है तो वहां से समझ में आ जाता है। बहुत से लोग जो जाने माने होंगे स्टॉक मार्केट में, वो दे माइट अंडरस्टैंड मी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। यहाँ पर SBI कैसा स्टॉक है और करंटली एट द स्टेट डोंट एड अप एनीथिंग, टाइम मिलेगा, मौका मिलेगा, सेम चीज मैं SBI के लिए बोल रहा हूँ। यहाँ पर अगला स्टॉक आता है बजाज फाइनेंस। और बजाज फाइनेंस एक काफी अच्छा स्टॉक है, एक ऐसा स्टॉक है जो आपको अगर अच्छी रिकवरी दिखाएगा, अपने वापस वो दिन लाएगा अगर आगे चले चल के, तो आपको काफी ज्यादा प्रॉफिट देके ये स्टॉक जाएगा। सेम गोज टू SBI। SBI भी वैसा स्टॉक है, अगर स्टॉक अगर नीचे आया और आपने फॉर एग्जांपल इसी भी यही प्राइस पकड़ लेते 187 पे भी खरीद लिया,
द फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी कितना प्रॉफिट पोटेंशियल है इसमें आपको. मुझे तो लगता है ये 160 वापस छुएगा 101% आने वाले दिनों में, शायद एक महीना भी लग सकता है जब तक ऑपरेटर चाहे, मुझे पता नहीं, मैं एक ऑपरेटर तो हूँ नहीं. तो 160 तक आपको आ सकता है, उसके नीचे भी जा सकता है, वी नेवर नो, बट एटलीस्ट ऑन एन एवरेज 160 पकड़ लेते हैं. फिर भी इट गोज अराउंड, ये डबल हो सकता है आपका अमाउंट. आई एम नॉट, ये कोई स्कीम नहीं बता रहा, एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन आपको आपके सामने बता रहा हूँ. अगर ये वापस उसी तरह रिकवर करता है स्टॉक, और जो फ्यूचर में जाके बिल्कुल भी 101% करेगा, क्योंकि SBI है, इंडिया में किसी बैंक के ऊपर अगर विश्वास करना है तो वो SBI है, आने वाले एक और बैंक है. तो SBI की बात नहीं, बट एज इन बजाज फाइनेंस की बात करूँ तो यहाँ पर बजाज फाइनेंस भी उसी कैटेगरीज में आता है. NBFC है तो ऑब्वियसली, बट इन बजाज फाइनेंस भी इन शॉर्ट वहाँ पर ऐसा स्टॉक है जो अगर प्रॉपर रिकवरी दिखाएगा कुछ टाइम पीरियड में तो यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट देके जाएगा. ये एक जेम स्टॉक है जो आपके पोर्टफोलियो में एटलीस्ट थोड़ी सी अमाउंट तो इसकी होनी ही चाहिए. आगे चलते हैं, रिलायंस. सारे पैसे बजाज फाइनेंस में मत डाल दो यहाँ पर लालच लालची होके, ऐसा बिल्कुल मत करना. बहुत बहुत से लोग वैसे सिचुएशन भी कर रहे हैं. आगे चलते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करते हैं. रिलायंस इंडस्ट्रीज एक ऐसा स्टॉक है अभी बहुत ही हाई पे है. ये स्टॉक काफी नीचे डिजर्व करता है एट दिस करंट स्टेज, काफी नीचे, बट फिर भी ये काफी ऊपर है. क्यों? क्योंकि इसमें आने वाले जो न्यूज है, जो जो कंटिन्यूस न्यूज स्टॉक्स में आ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इसकी इन्वेस्टमेंट आ गई, उसकी इन्वेस्टमेंट, उसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनाई है. सारे जो स्टॉक्स है ना, सारे स्टॉक्स जो बताऊंगा यहाँ पर, सब स्टॉक्स के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनाई है. डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप जाके वापस वहां से देख सकते हैं, या तो मेरे चैनल पर विजिट करके भी देख सकते हैं. वेल, उसमें मैंने पूरे यहाँ पर स्टॉक की कंप्लीट एनालिसिस की है. वेल, यहाँ पर रिलायंस के खरीदने के मौके मिलेंगे और नीचे शायद से, वी नेवर नो, अनलेस एंड अंटिल मुकेश अंबानी कुछ और बड़ा चीज ला दे. और इसका जो बीच में राइट्स इशू आया था, अभी राइट्स इशू भी फुली सब्सक्राइब हो चुका है आई गेस. तो यहाँ पर वो बात अगर आपने देखा तो काफी अच्छा स्टॉक है इन टर्म्स ऑफ अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. काफी फ्यूचरिस्टिक विजन है, मैंने कंप्लीट एनालिसिस अपने डेडिकेटेड वीडियो में बताई है. आगे चल के आता है HDFC बैंक. HDFC बैंक एक ऐसा स्टॉक है जो आपको अगर आप 5 साल भी होल्ड करोगे ना तो भी मैं ना नहीं बोलूंगा. इसको 5 साल भी होल्ड करोगे, डिविडेंड एंजॉय करोगे ना, वैसा वाला स्टॉक है ये. ऐसे स्टॉक बहुत ही कम है अपने इंडियन मार्केट में जो आपको लॉन्गर पीरियड ऑफ, इसमें आप अपना काफी बड़ा अमाउंट भी लगा सकते हैं और डिविडेंड एंजॉय करके उसे आराम से खा पी सकते हैं. ये उन स्टॉक में ऐसा एक है, ये डायमंड है आपके पोर्टफोलियो में. अगर ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में नहीं हुआ तो आपकी आपने ये रिसेशन में पोर्टफोलियो बनाया ही नहीं. मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज दिस स्टॉक डिजर्व्स दैट थिंग, डिजर्व्स दैट स्टेटस. और ये एट दिस, ये भी उन स्टॉक में से एक है जो डिजर्व करता है नीचे होना, बट ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा ये ऊपर है. आपको इसमें डेफिनेटली नीचे बाइंग के मौके मिलेंगे, थोड़ा सा वेट करो. अगर आपके पास पहले से ही इसके स्टॉक्स है तो अभी बिल्कुल भी एडअप मत करना, एडअप करने के लिए टाइम मिलेगा. न्यू फ्रेश इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म के लिए अभी इन द शॉर्ट थोड़ी सी क्वांटिटी उठा सकते हैं, थोड़ी सी, बट आई थिंक कि नीचे और मौके मिलेंगे खरीदने के. इसलिए ये वो आज मस्ट बाय स्टॉक्स है. अगर ये स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में नहीं है तो आपका पोर्टफोलियो कंप्लीट है ही नहीं. ये वैसे स्टॉक्स है जो श्योर शॉट लॉन्ग टर्म में आपको रिटर्न देंगे. मेन थिंग ये है कि यहाँ पर मार्केट में लालच होके फालतू स्टॉक्स खरीदने से अच्छा है कि कुछ अच्छे स्टॉक्स जो डिस्काउंट अमाउंट पे मिल रहे हैं वो खरीदे. ये सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो आपको लॉन्ग टर्म में आपके पास रख सकते हैं. IRCTC को छोड़ के बाकी स्टॉक्स में डिविडेंड यहाँ पर काफी अच्छा आपको मिलेगा. IRCTC का अभी नया स्टॉक है तो डिविडेंड का जो अनाउंसमेंट है वो प्रॉपर क्लियर नहीं है, इसलिए मैं प्रॉपरली उसके ऊपर बात नहीं कर सकता. मैं नहीं चाहता कि मैं कुछ गलत बोलूं इसलिए, बट बाकी चीजों, बाकी जो स्टॉक्स है उनके ऊपर मैं श्योर शॉट ये कह सकता हूँ. HDFC का आप देख सकते हैं 7.50 का डिविडेंड दिया था यहाँ पर लास्ट टाइम, तो काफी पर स्टॉक 7.50 काफी ज्यादा है. आप देख सकते हैं 13 rupees का डिविडेंड दिया था उसके पहले, तो ये काफी अच्छी बात है. लॉन्ग टर्म के लिए काफी अच्छा स्टॉक है, नॉट जस्ट HDFC बट
ओवरऑल अगर हम स्टॉक्स देखें तो वो शॉर्ट टर्म वालों प्लीज मार्केट से दूर रहो, लॉन्ग टर्म की सोचो, अच्छा पोर्टफोलियो बनाने की सोचो, क्योंकि रिसेशन और ये ऐसा मौका ना बार बार नहीं आता, सालों बाद ही आता है। लास्ट टाइम 2008 में आया था और इस बार 2020 में आया है, फ्यूचर में शायद ही हमें कभी वापस ऐसा मौका देखने को मिले। इसलिए मौका है तो यहाँ पर चांस उठा लो, लालच करके फालतू फालतू स्टॉक्स उठाओगे, लॉस करोगे, कोई फायदा नहीं होगा। लालच करने के मौके ना फ्यूचर में बहुत ज्यादा मिलेंगे, बट अभी ये मौका बार बार जो डायमंड स्टॉक्स है उनसे पैसे कमाने का मौका बार बार नहीं आता लाइफ में। वेल फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा।